तुम्हें बात करने जा रहे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। इस सूचना से पहले आज की खबर की बात करें कि झारखंड के हाई स्कूलों में पढ़ाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक। ये खबर आज की है कि राज्य के हाई स्कूलों में सेवानिवृत्त शिक्षक पढ़ाएंगे, उन्हें हर दिन के 500 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव AP सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने सभी जिलों को हाई स्कूलों के शिक्षकों का भी रिसलाइजेशन करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि यह निर्णय मैट्रिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने लिया। 500 रुपये प्रतिदिन कक्षा लेने के एवज में दिया जाएगा शिक्षकों को। वहीं दूसरी तरफ 18,000 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस तरफ आप देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से एक आवश्यक सूचना जारी की गई है। दिनांक 1 नवम्बर 2018 को आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कथित ठग प्रकृति के दुष्ट व्यक्तियों द्वारा आयोग की परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिका के बदल कर जो है अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण कराने का झांसा दिया जा रहा है और इससे इसके एवज में राशि की मांग की जा रही है। अपनी मनसा में सफल नहीं होने की स्थिति में उन असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रमित करने वाले सूचना प्रसारित कर आयोग की प्रतिष्ठा को घूमिल करने का प्रयास किया जाता है। साथ ही दूसरा, आयोग की परीक्षाएं पूर्ण रूप से जो है स्वच्छ एवं पारदर्शी है, जिनमें किसी भी स्तर पर छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। अतः आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को किया जाता है कि ऐसे किसी ठग एवं दुष्ट व्यक्ति के झांसे में नहीं आए। ऐसे व्यक्ति की सूचना स्थानीय पुलिस को दे। यदि कोई अभ्यर्थी किसी व्यक्ति को राशि का भुगतान कर ठगे जाते हैं तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। फाइनली ये आवश्यक सूचना जारी की गई है, आप देख सकते हैं। साथ ही TGT के बाकी जिलों के रिजल्ट की बात करें तो आपको बता दें कि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की गई है कि TGT के बाकी जिलों का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। इसलिए आप तमाम अभ्यर्थी जो है इंतजार करें, साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहे। साथ ही आपको बता दें कि इस सप्ताह जारी होने की क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 परमंडल का रिजल्ट जारी किया गया है, एक संथाल परमंडल का और दूसरा जो है पलामू परमंडल का रिजल्ट जारी किया गया है। उम्मीद है कि इस सप्ताह तक जो है एक और परमंडल का रिजल्ट जारी करे JSSC। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही।